Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा, आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रहा है बड़ा ही मज़ेदार फ्राई चिकन का पुलाव। तो इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो आपको मैं आपके हाथ दिखाऊंगी। सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है, मैंने इसको अच्छे से धो के नमक, हल्दी और सिरके के साथ मैरिनेट करके इसको तेज़ गर्म ऑयल में, यानी अच्छी तरह से जो तेल उबला हुआ होता है गर्म, उसमें फ्राई कर लिए। और ये जो पुलाव है मैं 25 लोगों के लिए बनाऊंगी और आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ प्याज हमने काट लिए, तीन डली है मेरे पास प्याज है और ये आधा किलो के करीब ऑयल है। तो मैंने चिकन फ्राई की वही ऑयल यूज़ करेंगे। चावल जो है मेरे पास वो 10 ग्लास है, आप मेजरमेंट के हिसाब से 10 ग्लास है, वजन के हिसाब से 3 किलो का। अब तक हमारे प्याज जो है थोड़े ब्राउन होंगे, इसी देर में मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ जब तक मेरे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, तब तक मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। ये मेरे पास है कुटा हुआ धनिया मोटा मोटा, ये 4 टेबल स्पून है। इसी के साथ मेरे पास धनिया पाउडर है, ये 2 चम्मच है भर के। और ये है बेसिक गरम मसाला, ये 1 चम्मच भर के है। काली मिर्च है मोटी कुटी हुई, ये भी 1 चम्मच है। ये जो आपको दिख रहा है ये नमक नहीं है, ये मेरे पास जो है चिकन पाउडर है, ये हम 2 चम्मच जो है वो भर के डालेंगे। लोग इसमें जो है चाइनीज़ सॉल्ट भी डालते हैं लेकिन हम नहीं डालेंगे। ये मेरे पास 2 आलू बुखारे हैं। और इसी के साथ ये है लाल मिर्चें, ये है 1.5 चम्मच भर के। ये है कुटी हुई मिर्चें, ये है 1 चम्मच। दूसरे मसालों में ये आप देख सकते हैं, एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, काली इलायची, हरी इलायची, बादियान का फूल और ज़ीरा। इन सब मसालों, ये खड़े मसाले, इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरे मसाले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है मेरे पास टमाटर, ये 1 पाव टमाटर है। इसी के साथ ये 20 हरी मिर्चें डाली है मैंने इसमें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चें थोड़ा कम डालेंगे और हरी मिर्चें ज़्यादा डालेंगे। तो ये 20 हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। उसके साथ अदरक और लहसुन, इन सब की मैंने एक पेस्ट बना ली है। तो बस हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है और 1 कप हम दही का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। तो प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो गए, अभी हम इनको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। हमें इनका कलर थोड़ा डार्क चाहिए, इनको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। इनकी बरकत के साथ प्याज देखने इतने ही ब्राउन हमें इनको करना है। इसमें मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया ताकि कलर आ जाए। अब ये जो खड़ा मसाला मैंने आपको दिखाया था डालेंगे, इसके साथ ही इसमें अपना ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर। झटपट ये पुलाव बन जाता है, बड़ा ही मज़े का बनता है। कलर की फिक्र ना करें, प्याजों का कोई कड़वा टेस्ट कुछ ऐसा नहीं आएगा। 2 मिनट इसको भूनेंगे और फिर आपको दिखा। 3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, अब ये तमाम मसाले जाएंगे। नमक मैंने इसमें अभी नहीं डाला। अगर 10 गिलास हम चावल के बना रहे हैं तो हम उसमें जो है वो 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच नमक का होता है, तो हम इसमें 11 चम्मच नमक के डालेंगे। नमक का भी हिसाब होता है, कहीं टेस्ट में कुछ ज़्यादा होता है कुछ कम, तो पहले हम जो है वो 11 डालेंगे, फिर अगर ज़रूरत हुई तो और डालेंगे, क्योंकि नमक अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। 2-3 मिनट इसको करने के बाद जैसे ही थोड़े से टमाटर और चीज़ें सॉफ्ट होंगी तो अभी चिकन ऐड करेंगे। चिकन अदरक मान लेंगे बच्चे के साथ, अब इसमें जाएगा दही। दही के साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। पहले हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे, जिंजर डालेंगे कटा हुआ, थोड़ी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। उस कलर के साथ हम इसको दम लगाएंगे, बाद चैनल इसमें यूज़ करेंगे। तो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ आगे, तो देख लीजिए। इसमें लहर हमारे नीचे बैठे से सबसे मसाला जो है हमारा मसाला से सारा भूल गया। अब जहाँ मैं इसमें
and add chicken wings. चिकन इस तरह की हमारी आधी पकी भी इसलिए इसे ज़्यादा भूनेंगे नहीं, फिर दो मिनट की बस। मिर्ची का हिसाब देखूंगी, मिर्ची सही दूर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बर्तन के साथ तमाम मसाले के साथ चिकन अच्छे से भून लें। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। चावलों में नमक का और पानी का हिसाब, ये चावलों की जो बेसिक होता है कि कहीं बासमती चावल का अपना हिसाब है और जो सैला रहे सब उसका अपना। तो मेरे ये जो चावल है मैंने आधा घंटा भर पहले भिगोए थे, भिगोने के बाद मैंने उनको छलनी में डाल दिया था ताकि वो ज़्यादा भीगे नहीं। अब इस स्टेज पर मेरे पास 10 ग्लास चावल है तो मैं इसमें 15 ग्लास पानी भी डालूंगी, फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। चावलों में पानी मैंने डाल दिया, अब हम इसमें नमक डालेंगे। देखिए इस तरह इतना भर के इसमें नमक डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये है 11। चम्मच को एक हम चम्मच भरते हैं इस तरह वाला, इतना नहीं भरना, हम इसको एक इस तरह इतना भरेंगे बस। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इससे एक हमें आइडिया रहता है। तो अब हम इसको उबलने देंगे और फिर इसका नमक देखेंगे चावल डालने से पहले, क्योंकि चावल के लिए नमक जो है पानी में थोड़ा तेज़ होना चाहिए, फिर ही चावल में वो मुनासिब होता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे जब हमारी चिकन उबलना शुरू करेगी चावल डालने से। ये मेरे पास कटा हुआ अदरक, थोड़े पुदीने के पत्ते और तीन चार हरी मिर्चें, वो भी हम इसमें डालेंगे। कलर जो है वो मैंने सब सारा पानी, चावल के पानी को उबलने का इंतजार करेंगे। की देख लीजिए चावलों में इतना पानी जब रह जाएगा तो हम इसमें फूड कलर डालेंगे। इस फूड कलर के अंदर मैंने एक चम्मच जो है भर के केवराइसेंस डाला है, तो बिस्मिल्लाह रखमान रहीम के बर्तन के डालने के बाद अब मैं इसको बंद लूँगी, फिर आपको दिखाएंगे इसका फाइनल। बिस्मिल्लाह रखमान रहीम की बरकत के साथ हमारा फ्राई चिकन पुलाव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। देखिए चावलों में कलर हमने एक साइड में इसलिए डाला था, हम इसको मिक्स करेंगे तो ये इक्वल हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चावल, बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। पानी रिम की बरकत के साथ हमारा फ्राई चिकन पुलाव जो है रेडी हो चुका है और ये इसकी फाइनल लुक। तो खाइए, इंजॉय कीजिए, दुआ में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।